करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण हुआ है या फिर शिलान्यास हुआ है। विकास के ये कार्य बनारस शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी जुड़े हैं। इनमें बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी परियोजनाएं तो है ही, साथ में किसानों, बुनकरों और शिल्पकारों को नए अवसरों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल है। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 21वीं सदी का महत्वपूर्ण नॉलेज सेंटर बनाने के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। इन परियोजनाओं के लिए मैं बनारस के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं जब भी आपके बीच आता हूं तो एक बात जरूर याद दिलाता हूं, हम काशी में जो भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी परंपराओं को संजोते हुए, उसकी पौराणिकता को बचाते हुए किया जा रहा है। अनंत काल से जो इस शहर की पहचान रही है उसे सुरक्षित करते हुए इस शहर में आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश किया जा रहा है। सवा चार वर्ष पहले जब काशीवासी बदलाव के इस संकल्प को लेकर निकले थे, तब और आज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। दिखता है ना, अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? बदलाव नजर आ रहा है, धरती पे परिवर्तन दिख रहा है। धन्यवाद, वरना आप तो उस व्यवस्था के गवाह रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज मुझे बहुत संतोष है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम वाराणसी को विकास की नई दिशा देने में सफल हुए हैं। वरना वर्षों पहले के वो भी दिन थे जब काशी की ध्वस्त हो रही व्यवस्थाओं को देखकर यहां आने वाले हर व्यक्ति का मन उदास हो जाता था। बिजली के तारों के जाल, उसी की तरह ये शहर भी अपनी अव्यवस्थाओं में उलझा हुआ था। और इसलिए मैंने ठाना था कि काशी की चौतरफा अव्यवस्था को चौतरफा विकास में बदलना है। आज काशी में हर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है, सांसद बनने से पहले भी जब मैं यहां आता था तो शहर भर में बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा सोचता था कि आखिर कब बना
बनारस को इससे मुक्ति मिलेगी। आज देखिए शहर के एक बड़े हिस्से से लटकते हुए तार गायब हो गए हैं, बाकी जगहों पर भी इन तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी है। आज बिजलीकरण से जुड़े जिन 5 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है, उनमें पुरानी काशी को बिजली के लटकते तारों से मुक्ति का भी काम उसमें शामिल है। इन सभी प्रोजेक्ट से वाराणसी शहर के अलावा आसपास के अनेक गांवों को पर्याप्त बिजली देने का लक्ष्य को और बल मिलने वाला है। इसके अलावा आज एक और विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तो आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथियों, वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता वाराणसी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की है। 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी का विकास किया जा रहा है। आज काशी एलईडी की रोशनी से जगमगा रही है, शहर की सड़कों उस पर रात में भी मां गंगा का प्रभाव सा दिखता है। एलईडी बल्ब से रोशनी तो हुई है, आप लोगों के बिजली के बिल में भी बहुत कमी आई है। वाराणसी नगर निगम ने एलईडी बल्ब लगने के बाद करोड़ों रुपयों की बचत की है। साथियों, 4 वर्ष पहले जो काशी आया था, वो जब आज काशी को देखता है तो उसे नई सड़कों का विस्तार होता हुआ दिखता है। बरसों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था। 2014 में सरकार बनने के बाद काशी में रिंग रोड की फाइल को फिर से निकाला गया, लेकिन यूपी में पहले की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में गति नहीं आने दी। उनको चिंता हो रही थी कहीं ये काम हो गया तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा, और इसलिए दबा करके बैठे थे। लेकिन जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। हरहुआ से गाजीपुर तक 4 लेन सड़क का काम लगभग पूरा होने को है। हरहुआ से राजा तालाब और चंदौली तक एक नए सर्किट को तैयार करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस रास्ते में गंगा पर एक पुल भी बनाया जाएगा, जिससे बनारस में आने वाले बड़े ट्रकों की संख्या कम हो जाएगी। साथियों,
काशी रिंग रोड के निर्माण से सिर्फ काशी नहीं आसपास के अनेक जिलों को भी लाभ होने वाला है। बिहार, नेपाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहां जाने के लिए यहां से निकल रही सड़कों का बहुत ही महत्व है। यही कारण है कि वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। वाराणसी हनमना यानी नेशनल हाईवे नंबर 7, वाराणसी सुल्तानपुर मार्ग, वाराणसी गोरखपुर सेक्शन, वाराणसी हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बनारस के भीतर भी हजारों करोड़ रुपए की अनेक सड़क परियोजनाएं चल रही है। महमूरगंज से मंडुआडी आने जाने वालों को पहले कितनी दिक्कत होती थी, स्कूल आने जाने वाले बच्चों का किस प्रकार मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, ये भी आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। वर्षों के इंतजार के बाद मंडुआडी फ्लाईओवर का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं गंगा नदी पर बने सामने घाट पुल के पूरा होने से रामनगर आना जाना और आसान हुआ है। शहर का अधूरा पुल जितना पुराना था उतनी ही पुरानी उसे चौड़ा करने की मांग थी। कई दशकों से अधूरा पुल को चौड़ा पुल करने का काम अटका हुआ था, इस काम को भी पूरा किया गया है। इसके अलावा भोजुबीर सिंधौरा मार्ग को चौड़ा करने का काम, शिवपुर फुलवरिया मार्ग को फोर लेन करने का काम, राजा तालाब पुलिस चौकी से जखिनी तक सड़क के चौड़ीकरण का काम हो, शहर के अलग अलग हिस्सों में आज तेज गति से काम चल रहा है। आस्था और पर्यटन की दृष्टि से अहम पंचकोसी मार्ग के विकास का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। बाबतपुर से कचहरी मार्ग तक बन रही सड़क पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहले यह सड़क कितनी संकरी थी इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। कुछ ही मिनटों का रास्ता तय करने में घंटों का समय लग जाता था। भारी जाम के कारण कई बार फ्लाइट तक ट्रेन तक छूट जाती थी। जब से ये सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलना सुनिश्चित है। साथियों, वाराणसी में हो रहे विकास के गवाह यहां एयरपोर्ट पर आने वाले लोग भी बन रहे हैं। हवाई जहाज से बनारस आने वाले लोगों और टूरिस्टों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 साल पहले जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर 8 लाख लोग आते जाते थे, अब ये आंकड़ा 21 लाख पहुंच गया है। स्मार्ट बनारस में स्मार्ट परिवर्तन हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के हर तरीके को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि किसी एक परिवहन व्यवस्था पर बोझ न पड़े। यहां बन रहा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरे शहर के प्रशासन और पब्लिक सुविधाओं पर नियंत्रण करने वाला है। बनारस और बनारस में तेजी से बन रही मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम
होने पर ये शहर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के बड़े हब के तौर पर भी उभरने वाला है। इससे सड़क, रेल और जल परिवहन तीनों ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका बड़ा लाभ यहां के व्यापार और उद्योग को मिलने वाला है। साथियों, काशी आने जाने वालों का समय बचे, इसके गंगा पर फेरी चलाने की योजना पर काम हो रहा है। वाराणसी से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 का काम भी जारी है। सीएनजी से गाड़ियां चलाने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। भाई और बहनों, सोशल मीडिया पर जब लोगों को खुशी में वाराणसी कैंट स्टेशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखता हूं, तो मेरी प्रसन्नता भी दोगुना हो जाती है। कैंट स्टेशन हो, मड़ुआडी हो या फिर सिटी स्टेशन, सभी पर विकास के कार्यों को गति दी गई है, उन्हें आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। रेल से काशी आने वाले को अब स्टेशन पर ही नई काशी की तस्वीर नजर आती है। साथियों, इसके अलावा वाराणसी को इलाहाबाद और छपरा से जोड़ने वाले ट्रैक की डबलिंग का काम प्रगति पर है। वाराणसी से लेकर बलिया तक विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। वाराणसी इलाहाबाद सिटी खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वाराणसी की देश के बाकी हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी से अनेक नई गाड़ियों की शुरुआत पिछले 4 साल में की गई है। वाराणसी से नई दिल्ली, वडोदरा, पटना जाने के लिए अलग अलग महामना एक्सप्रेस, वाराणसी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों ने भी सभी का ध्यान खींचा है। हुबली हो, मैसूर हो, गुवाहाटी हो, देश के अन्य शहरों के साथ वाराणसी का रेल संपर्क और मजबूत हुआ है। साथियों, आज काशी में न सिर्फ आना जाना आसान हो रहा है, बल्कि शहर के सौंदर्य को भी निखारा गया है। हमारे घाट अब गंदगी से नहीं, रोशनी से अतिथियों का सत्कार करते हैं। मां गंगा के जल में अब नावों के साथ साथ क्रूज की भी सवारी संभव हो पाई है। हमारे मंदिर, पूजा स्थलों तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में मुश्किल ना हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन से परिवर्तन का यह अभियान निरंतर जारी है। भाइयों और बहनों, बीते 4 वर्षों से काशी की विरासत हमारी धरोहरों को संजोने का, उन्हें संवारने का काम किया जा रहा है। मैदागिन स्थित टाउन हॉल वो जगह है जहां गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई थी। हम हेरिटेज भवन का गौरव फिर लौटाने का काम किया गया है, ये फिर से अपने मूल स्वरूप में दिखने लगा है। वाराणसी के बड़े और मुख्य पार्कों का जीर्णोद्वार, विकास और सौंदर्यीकरण भी किया गया। सारनाथ में पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्धा थीम पार्क, सारंगनाथ तालाब, गुरुधाम मंदिर, मार्कंडेय महादेव मंदिर जैसे आस्था से जुड़े अनेक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जा चुका है। भैरव कुंड, सारंगनाथ कुंड, लक्ष्मी कुंड
और दुर्गा कुंड की साफ सफाई और सौंदर्यकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 4 सालों में दूसरे देशों के अनेक शीर्ष नेताओं का स्वागत काशी वासियों ने किया है, अद्भुत स्वागत किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर ने काशी के आतिथ्य को सारी दुनिया में सराहा है, जहां गए उसकी बात की है। जापान ने तो काशी के लिए कन्वेंशन सेंटर का भी तोहफा दिया है। साथियों, बनारस के आतिथ्य पर अगले वर्ष की शुरुआत में भी दुनिया भर की नजरें होंगी। जनवरी में दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुंभ यहां काशी में, बैठिए भैया, आपका प्यार मंजूर है भैया, दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुंभ यहां काशी में लगने वाला है। और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आपका सहयोग भी आवश्यक होगा। एक एक काशीवासी को इसके लिए आगे आना होगा। काशी की गली गली, नुक्कड़ चौराहे पर बनारस का रंग, बनारस की सांस्कृतिक विरासत नजर आनी चाहिए। साफ सफाई से लेकर आतिथ्य सत्कार की ऐसी मिसाल हमें बनानी है कि हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन जीवन भर याद रख सके। और मैं तो चाहूंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस में दुनिया भर के जो लोग जो यहां आएंगे, वो ऐसा अनुभव करके जाए कि वो हमेशा के लिए काशी के टूरिज्म के एम्बेसडर बन जाए। वो जहां जाए काशी की तारीफ करते रहे। भाइयों और बहनों, स्वच्छता के मामले में भी काशी ने परिवर्तन देखा है। आज यहां के घाटों, सड़कों और गलियों में स्वच्छता स्थायी बनती जा रही है। ना सिर्फ साफ सफाई बल्कि कूड़े के निस्तारण के भी ठोस उपाय किए गए हैं। कूड़े से आधुनिक तकनीक द्वारा खाद बनाने का काम भी किया जा रहा है। करसड़ा में कचरे से खाद बनाने का बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। हर रोज सैकड़ों मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है। कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने का काम हो रहा है। करसड़ा में ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की भी स्थापना की गई है। इस प्लांट से बिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा भवनिया पोखरी, पहाड़िया मंडी और आईडीएच परिसर में बायो फ्यूल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए गए हैं। साथियों, मां गंगा की सफाई के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक साथ प्रयास चल रहे हैं। सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि शहरों की गंदगी गंगा में ना गिरे, इसके लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। और इसके लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। बनारस में भी 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं सिर्फ इस मकसद से शुरू की गई है। दिनापुर और रमाना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तेज गति पर है। सीवर प्लांट के साथ साथ उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। शहर भर में
हजारों नए सीवर चैम्बरों के निर्माण के साथ 150 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा चुका है। सीवर के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए काम जारी है। हजारों घरों में पानी का कनेक्शन और पानी के मीटर लगाने का भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, वाराणसी शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों को भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है। सांसद के रूप में जिन गांवों को विशेष रूप से विकसित करने का जिम्मा मेरे पास है, उनमें से एक नागेपुर गांव के लिए आज पानी के एक बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नागेपुर हो, जयापुर हो, ककरिया हो या डोमरी हो, सभी गांवों को पूरी तरह सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। खेलकूद के लिए मैदान, स्वरोजगार के केंद्र, खेती किसानी की बेहतर व्यवस्था और उचित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथियों, आपके सक्रिय सहयोग से काशी आज पूर्वी भारत के एक हेल्थ हब के रूप में उभरने लगा है। अलग अलग क्षेत्रों में बन रहे नए अस्पताल आने वाले दिनों में वाराणसी को पूरे पूर्वी भारत का बड़ा मेडिकल सेंटर बनाने जा रहे हैं। बीएचयू में बना आधुनिक ट्रॉमा सेंटर हजारों लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहा है। बनारस में बन रहे नए कैंसर हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोगों को इलाज की आधुनिक सुविधाएं देने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में बीएचयू ने एम्स के साथ एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाने के लिए भी समझौता किया है। साथियों, आज बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी यानी क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी शिलान्यास किया गया है। 54 वर्ष पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहां नेत्र विभाग का उद्घाटन किया था। इसको रीजनल सेंटर के रूप में विस्तार देने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। जब यह सुविधा बनकर तैयार हो जाएगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और नेपाल तक के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि काशी वासियों को अब आंखों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे मोतियाबिंदु से लेकर के आंखों की गंभीर से गंभीर बीमारियों में होने वाले इलाज पर खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये संस्थान अब उच्च स्तर के आंखों के डॉक्टर भी तैयार करेगा और रिसर्च में भी गुणवत्ता निश्चित सुनिश्चित करेगा। साथियों, बनारस में नए अस्पतालों का निर्माण तो हो ही रहा है। पहले से जो अस्पताल मौजूद थे उनकी भी सुध ली गई है। पांडेपुर में 150 करोड़ की लागत से ईएसआई हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अलावा बनारस में पहले से काम कर रहे अस्पताल में बड़ों की संख्या बढ़ाई जा रही है। निजी क्षेत्र को भी यहां अस्पताल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी अनेक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, यूपी में भाजपा की योगी जी की सरकार बनने के बाद इन सभी कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आई है। मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को आयुष्मान भारत इससे जुड़ने के लिए भी बधाई देता हूं।
देश के 50 करोड़ गरीब भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने वाली इस योजना का ट्रायल यूपी समेत देश के अनेक हिस्सों में चल रहा है। 23 सितंबर से इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का सरकार ने बल दिया है। ये मालवीय जी की और उन्हीं का सपना था कि एक ही परिसर में प्राचीन विद्याओं के साथ साथ आधुनिकता की पढ़ाई हो। उनके इसी सपने यानी हमारे बीएचयू को विस्तार देने के लिए आज अनेक सेंटर्स का लोकार्पण हुआ है। वेद के ज्ञान से लेकर 21वीं सदी के विज्ञान और भविष्य की टेक्नोलॉजी के समाधान देने वाले आयाम आज यहां जोड़े गए हैं। वेद से लेकर के वर्तमान तक को जोड़ा गया है। आज यहां एक तरफ वैदिक विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हुआ है तो दूसरी तरफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुआत हुई है। युवा साथियों, हम सभी को जितना अपनी पुरातन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है उतना ही भविष्य की तकनीक के प्रति हमारा आकर्षण है। 80 करोड़ से अधिक युवाओं की शक्ति से भरा ये देश तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में अपनी छाप छोड़ रहा है। भविष्य की तकनीक के साथ भारत के इसी कदम ताल से ताल मिलाते हुए बीएचयू में अटल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। बीएचयू का यह इंक्यूबेशन सेंटर आने वाले समय में यहां स्टार्टअप के लिए नई ऊर्जा देने का काम करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि देश भर से करीब 80 स्टार्टअप के आवेदन इससे जुड़ने के लिए आ चुके हैं और 20 स्टार्टअप ऑलरेडी यहां जुड़ चुके हैं। इस सेंटर के लिए मैं बनारस के युवाओं और विशेष तौर पर जो इस प्रकार का साहस रखते हैं, सोच रखते हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। साथियों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम भी बीते 4 वर्षों से तेज हुआ है। राजा तालाब में बने पेरिशेबल कार्गो केंद्र का जुलाई में ही लोकार्पण किया गया है। ये कार्गो सेंटर वाराणसी और आसपास के किसानों की फसलों को न केवल खराब होने से बचा रहा है बल्कि आय बढ़ाने और वैल्यू एडिशन में भी मदद कर रहा है। यहां ना सिर्फ आलू टमाटर समेत दूसरे फल सब्जियों के स्टोरेज की सुविधा यहां है बल्कि रेलवे स्टेशन में भी ये सटा हुआ है। इससे फल सब्जियों को दूसरे शहरों तक भेजने में आसानी रहती है। इस कार्गो सेंटर के अलावा अब इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी का काम करीब करीब समाप्ति पर है। यानी भविष्य में काशी धान की उन्नत किस्मों के शोध में भी अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। वाराणसी के किसान भाई बहनों को खेती के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों से भी आय हो सके इसकी भी व्यवस्था जारी है। किसान भाइयों बहनों को खेती के साथ साथ पशुपालन और मधुमक्खी पालन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले किसानों यहां मधुमक्खियों से भरे बॉक्स आज यहां दिए गए। यहां तो सिर्फ तस्वीर दी गई लेकिन उनको दे दिए गए। उसके पीछे भी यही मकसद है। मधुमक्खियों ना सिर्फ हमारी उपज बढ़ाने को बढ़ोतरी करती है बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त आय का भी स्रोत है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज देश
रिकॉर्ड मात्रा में अनाज पैदा करने के साथ साथ रिकॉर्ड मात्रा में शहद भी पैदा कर रहा है। भाइयों और बहनों, बनारस और पूर्वी भारत बुनकरों, शिल्पकारों, मिट्टी को सोना बनाने वाले कलाकारों की धरती है। वाराणसी के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को तकनीकी सहायता देने और कारीगरों को नए बाजारों से जोड़ने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बुनकरों को अच्छे उत्पादन की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। अब बुनकर भाई बहनों को वाट मशीन दी जा रही है, इससे बुनकरों का काम और आसान हो जाएगा। बुनकरी नहीं, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से कलाकृतियां बनाने वाले भाई बहनों को भी तकनीक की ताकत दी जा रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में कई भाई बहनों को इलेक्ट्रिक चाक दिए गए हैं। इसके अलावा मिट्टी गूंथने और सुखाने की आधुनिक मशीनें उन्हें दी जा रही है। इससे जहां आपके श्रम की बचत होगी, वहीं कम समय में अच्छी क्वालिटी के बर्तन या फिर सजावटी सामान बनाए जा सकेंगे। साथियों, वाराणसी के हर वर्ग, हर तबके का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। काशी अब देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां के घरों में पाइप से कुकिंग गैस पहुंच रही है। इसके लिए इलाहाबाद से बनारस तक पाइपलाइन बिछाई गई है। अब तक बनारस में 8,000 से अधिक घरों तक पाइप वाली गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है। आने वाले समय में इसको 40,000 से ज्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए 60,000 से ज्यादा गैस कनेक्शनों ने भी बनारस के आसपास गांवों में महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का काम किया है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए काशी एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अपना भविष्य तय कर रहा है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनमें से अनेक आने वाले कुछ महीनों में पूरा होने की स्थिति में है। रिंग रोड, एयरपोर्ट से कचहरी तक की सड़क, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दीनापुर गोइठा के सीवर ट्रीटमेंट प्लान, मल्टी मॉडल टर्मिनल, विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो इनसे शहर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। साथियों, ये सारी परियोजनाएं वाराणसी में यहां के नौजवानों को रोजगार के असीम अवसर भी उपलब्ध करा रही है। बनारस में हो रहे विकास ने यहां के उद्यमियों के लिए भी व्यापार के नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आइए हम पूरे समर्पण के साथ बनारस में हो रहे परिवर्तन के इस संकल्प को और मजबूत करें। नई काशी, नए भारत के निर्माण में आगे बढ़कर अपना योगदान दें। एक बार फिर आप सभी को नए हुए, शुरू हुए तमाम प्रोजेक्ट के लिए बधाई देता हूं। आप यूं ही मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद से प्रेरणा देते रहे, इसी कामना के साथ। और भाइयों बहनों, मैं भले आपने भले मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व दिया हो, लेकिन मैं एक सांसद के नाते भी आपको मेरे काम का हिसाब देने के लिए जिम्मेवार हूं। और आज मैंने आपको
चार साल में एक सांसद के रूप में कहां काम किया इसकी एक छोटी सी झलक दिखाई है। और मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि के नाते, आपके सेवक के नाते, आप मेरे मालिक है, आप मेरे हाई कमांड है, और इसलिए पाई पाई का हिसाब देना, पल पल का हिसाब देना, ये मेरा दायित्व बनता है। और एक सांसद के रूप में आज मुझे खुशी है कि आपके बीच में ये विकास की बातों को तो आपके सामने प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आपके स्नेह के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके अप्रतिम प्यार के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आगमन के लिए। और इसी विकास कार्य